तो एक देश एक नाम, क्या यही है राजनीति का नया संग्राम? कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में पहुंच गई हूं मैं, और अब जो सवाल सभी मेहमानों के सामने रखने वाली हूं, बहुत ही संक्षेप में आप सबसे इसका जवाब चाहूंगी। इंडिया वर्सेस भारत, क्या यह चुनावी नैरेटिव है? अखिलेश जी, संक्षेप में सर। देखिए, यह बितंडा क्यों मचा है? क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। उसके बाद जो इंडिया शब्द से नफरत आने शुरू हो गई बीजेपी या मोदी जी में, उसको लेकर के ये सारी चर्चाएं उठ रहे शुरू हो गई हैं। और इंडिया जहां जहां है उससे नफरत जब आप दिखा करके कुछ कर रहे हैं तो लोग तो ये माने के चलेंगे कि आप कल तक तो आप कह रहे हैं ये चुनावी नैरेटिव है। नाम पे इंडिया, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ये चुनावी नैरेटिव है इंडिया वर्सेस भारत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व, ये दो दिन का है, अभी कल परसों से भूल जाएंगे, दूसरा व्हाट्सएप आ जाएगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, संक्षेप में सर, समय कम है, शांत हो जाएं तो कमेंट सबसे। प्रेम शुक्ला जी, इंडिया वर्सेस भारत चुनावी नैरेटिव? भारत 10 मिनट वो बोलेंगे और 10 सेकंड हम बोले हैं। यही जो है औपनिवेशिक वृत्ति है कि कांग्रेस जो है काले अंग्रेजों के लिए अधिक समय है, और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अगर कोई प्रोत्साहित करने की बात करे तो उसके लिए जो है ये दूसरा नियम। अरे भाई, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी जो है अंग्रेजों की सेवा में समर्पित पार्टी, अंग्रेजों को पहला गवर्नर जनरल बनाने वाली पार्टी, अंग्रेजी इंडिया के लिए भारतीय भारत के विरुद्ध नफरत फैलाने वाली पार्टी, उसको क्या माना जाए? ठीक है सर, अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, क्या चुनावी नैरेटिव है ये? हाँ या ना में दे दीजिए सर, संक्षेप में। ये चुनावी नैरेटिव करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ठीक है सर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक जिसको चुनावी नैरेटिव विपक्ष बना रहा है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है देशभक्ति राष्ट्र की बात करती है, संस्कृत संस्कार की बात करती है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, महिला तो हमारे देश की माता है, वही तो हमारी भारत माता है, हमारी बहने, हमारी बेटियां। जब भारत माता पे कोई तकलीफ होती है बहन बेटियों पे, तो आप चुप क्यों हो जाते हो? तब आपकी संस्कृति कहाँ चली जाती है? तब हिंदुस्तान की संस्कृति आपके अंदर जिंदा नहीं होती कि जब वो पुकारती हैं, जब परेशान होती है? आवाज कह चुके ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ये चुनावी नैरेटिव है क्या इंडिया वर्सेस भारत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, परेशान है, उसे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। देश, भारत की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है, इनको नकारने जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं ये चुनावी नैरेटिव है? ठीक है प्रदीप जी, ये चुनावी नैरेटिव है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस नाम से जो है कोई फायदा या नुकसान किसी को, न बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है, न जो विपक्षी गठबंधन है उसको कोई नुकसान होने वाला है। ठीक है, ये बीजेपी का जो 73 विमर्श है उसका एक छोटा सा अंश है, ठीक है, जिसमें बहुत सी चीजें जुड़ती जाएंगी, वो फायदा नुकसान तय करेगा, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं लगता। ठीक है अभय जी, प्रदीप जी की ये बात सही है, इससे कोई चुनावी फर्क नहीं पड़ने वाला, न इस तरफ न उस तरफ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये सब बातों का ख्याल अभी क्यों आया है भाई? अगर विपक्ष की एकता नहीं होती तो अभी सब आराम से इसके लिए सवाल इंडिया सब चलता रहता का है। चुनावी नैरेटिव का सवाल कुछ है। देखिए, भाजपा के मन में और संघ के मन में इससे कुछ बेचैनियां तो पैदा हुई हैं। उन बेचैनियों को कैसे क्वांटिफाई किया जाए, उनको कैसे उनकी मात्रा तय की जाए, ये एक मसला है। बेचैनियां किस हद की हैं इस पे हम लोग सोच सकते हैं। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर एक देश एक नाम, अब यही राजनीति का नया संग्राम फिलहाल आज की तारीख में तो नजर आ रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।